नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मसौढ़ी नगर परिषद वार्ड नंबर 26 से प्रत्याशी कार्यवाहक शैलेंद्र कुमार। आपको बता दें कि यहां से वर्तमान प्रत्याशी शैल देवी हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। थैंक्स। कैसी चल रही है शैलेंद्र जी, चुनाव की तैयारी आपकी? अच्छी चल रही है, जनता के बीच जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और जो भी कमियां हैं उनको दूर करेंगे आगे जाके। जी जी जी, क्या लग रहा है शैलेंद्र जी, लोगों का कितना सहयोग मिलेगा आपको? जी, सहयोग तो मिल रहा है, जनता का सहयोग है, बहुत जी, सारा तो सहयोग है। जी जी, तो बिल्कुल इस बात का कॉन्फिडेंस अंदर से लग रहा है कि एक बार बनेंगे जनप्रतिनिधि आप? जी जी, एकदम जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है जहाँ भी जा रहे हैं। जी, क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं शैलेंद्र जी, क्या चुनावी मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा है कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्य है अपूर्ण है, उसको पूरी तरह से पूर्ण करना और अपने वार्ड नंबर 26 का विकास करना, सबका साथ सबका विकास। जी जी, क्या आप कुछ प्रमुख समस्याएं इस वक्त मौजूद हैं वार्ड में जो नजर आ रही हैं, जिस पर कार्यकर्ण की जरूरत है? नाली और रोड की समस्या है, जो जी ये बरसात आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको दूर करेंगे। जी जी, तो जल जमाव एक बड़ी समस्या है इस वार्ड की। जी, जिस पर कार्य करना है। जी जी जी, अगर जीत करके आते हैं शैलेंद्र जी, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या कुछ योजनाएं हैं जो आपने सोचा है कार्य करने के लिए? जनता का जो योजनाएं मांग है कि सबसे पहले नाली और रोड सड़क, जहां जहां पूर्ण है नहीं बना है वहां जनता जाते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पे नहीं बना है, यहाँ पे नाली का जरूरत है। तो जैसे जैसे जहाँ रहेगा, जैसे जनता जहाँ डिमांड करेगा वहाँ बनेगा। जी जी जी, चुनाव चिन्ह मिला है या नहीं अभी आपको? चुनाव चिन्ह मेरा वायुवान छाप है। जी 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 जी, तो इस मुद्दे के साथ लोगों के बीच में जाना है शैलेंद्र जी। और ये बताइए कि राजनीति में कितने दिनों से सक्रिय हैं इस वार्ड में आप? जी, कितने दिनों से सक्रिय हैं इस क्षेत्र में आप, राजनीति में कितने दिनों से? राजनीति में मैम, मेरा एक संस्था भी है, एक सामाजिक संस्था भी है, उसके अंतर्गत कार्य करते रहे इस क्षेत्र में कोरोना काल में भी, और रेगुलर 10 साल से कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य। जी जी जी, तो पूर्व में भी किसी पद पर रहे हैं या पहली बार ही आप ये चुनाव की तरफ जा रहे हैं? नहीं, पहली बार। जी जी, तो ये क्या वो भावनाएं रही शैलेंद्र जी, किस तरीके से विचार आया कि इस बार बतौर पार्षद लोगों के बीच में जाएं? जनता का समर्थन रहा कि आप ही रहिए, और जो भी क्षेत्र का विकास जनता का समर्थन मिल रहा है कि क्षेत्र का विकास आप कर सकते हैं, तो इसी चलते हमको जनता का सहयोग मिल रहा है, तो जनता सहयोग देने के लिए तैयार है, तो इस चलते हम खड़े हुए। जी जी, मतलब जनता की सहमति के साथ ही आप चुनाव में उतरने का विचार आया, लोगों ने आपको प्रेरित किया कि इस क्षेत्र में आना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क से बातचीत करने का, और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं लोगों का साथ और विश्वास मिले, और जो भी आपने सोचा हो इस क्षेत्र के विकास के लिए वो सारी जरूरतें पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चुनाव को आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आइए अब आपको दिखाते हैं कि लोगों की क्या कुछ राय है वार्ड को लेकर के और जनप्रतिनिधि को लेकर, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और कितना विकास की आवश्यकता है। शैल देवी वार्ड नंबर 26 से चुन रहे हैं हम लोग समर्थन से। क्या खास है उनमें? सोशल हैं, सामाजिक हैं, काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोग उनको अगर समर्थन से खड़ी करवाए। काम करते हैं आप? हाँ। किनको चुन रहे हैं? शैल देवी। इस बार जीता रहे हैं? हाँ, जीता रहे हैं। क्यों जीता रहे हैं? विकास करने के लिए। विकास करते हैं? हाँ, करते हैं। काम किए हैं? इस बार आप किनको चुन रहे हैं? शैल देवी। कारण? कारण है कि सोशल हैं, थोड़ा सा अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित महिला हैं, समाज के लिए थोड़ा सा झुकाव उनके ज़्यादा है, विकास जो है, लेकिन काम किए। हाँ, काम न पहला बार है, काम तो किए हैं। अच्छा, काम करते हैं? हाँ, किए हैं, करते हैं इसे और करेंगे भी। हाँ, हम लोग का उम्मीद है, तभी चलते उनको खड़ा किए हैं।
क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले? शर्मा ग्राम के। इस बार वार्ड पार्षद किनको चुन रहे? सैल देवी को। सैल देवी को भारी बहुमत से जिताएंगे। जिताएंगे, एकदम जिताएंगे। विकास का काम करते हैं? विकास करेंगे, अब करेंगी करेंगे। लेकिन आप लोगों का बात सुनते हैं? कभी जाते हैं कोई समस्या? बहुत बहुत सुनते हैं। बहुत सोशल है। सोशल है, शुरू से सोशल काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार किनको इस बार? सैल देवी को। सैल देवी को। सारे लोग सैल देवी को ही चुन रहे हैं? हाँ, सारे लोग, क्योंकि बहुत अच्छे हैं, काम उम किए हैं, सब वगैरह रोड वगैरह पूरा बना है, लल्ली फली उन्हीं का बनावा हुआ है ऐसा। तो हम लोग को अच्छा लगा कि नहीं, ये लोग काम करने वाले हैं, ये लोग को जिताया जाए। इस बार जीत उनकी कितनी पक्की है आप बताइए? हम लोग तो उनको 100% बोल रहे हैं कि पक्की है, 100%। चाचा आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार सिंह। इस बार वोट किनको कर रहे हैं आप? सही बताइए। सैल देवी को। सैल देवी को क्यों उनको चुन रहे हैं? अच्छा है, काम विकास कर किए हैं और करेंगे। करेंगे कुछ काम किए हैं? काम किए हैं, इसके पहले बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए हैं। बात सुनते हैं आपका? सुनते हैं, जनता का सुनते हैं। सुनते हैं। नाम शत्रुघ्न पासवान है, यही के रहने वाले। जी हाँ सर जी। आप किसको वोट करेंगे? तो सैल देवी को। काम? हाँ काम करते हैं। आप लोग बात सुनते हैं? हाँ हाँ सही बात। कहा जाता है कि कोरोना के दौर में काफी लोगों का सेवा कर रहे थे, क्या सही बात है? सेवा किए हैं? हाँ सेवा किए। इस बार वोट देंगे? हाँ वोट। इस बार जिताएंगे? हाँ जिताएंगे सर। चाचा आप सही बात बताएंगे, इस गांव के रहने वाले हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? ललन से। गांव में काम हुआ है? हाँ काम हुआ है, काम करने के लिए है, इसी उम्मीद से इनको हम लोग भारी बहुमत से जिताने के लिए इस बार जिताएंगे इनको। हाँ हाँ काम किए हैं? हाँ भाई काम करिंदे आदमी है, भरोसा पूरा है। इस बार जीत पक्की है? हाँ पक्की। कौन आए हैं? है? अभी कौन आए हैं, किनके बारे में बोल रहे हैं? ये है पासवान जी के बारे में। हाँ वो देखिए पासवान जी वो है, का नाम आई हो? हैं शत्रुघ्न पासवान। शत्रुघ्न पासवान वो अपना अति का है, ये तो हम लोग अपना है स्वजाति है। पासवान कह रहे हैं कि कोरोना के दौरान बड़ा मदद किए हैं, तब ना वो कह रहा है कि कारिंदा आदमी है, काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोग गांव के आदमी सपोर्ट उनको करेंगे। इस बार करेंगे सपोर्ट। करेंगे। जीत पक्की है? हाँ जीत पक्की। जयकारी लगाइए। जयकारी लगाइए, जय जिंदाबाद। मैं दीपूराज नाम हुआ। पढ़े लिखे हैं आप? बताइए। हम ग्रेजुएट हैं। अच्छा आप लोग किसको चुन रहे हैं इस बार? बिल्कुल सैल देवी को भारी मतों से विजय बनाना है, क्योंकि उनके फैमिली में भी इतने अच्छे लोग हैं कि काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो सैल देवी उनके बेटे जी हैं, जो वो भी हम लोग के लिए बहुत बच्चों के लिए काम। वैसे तो हम लोग भूटाली से नाम से, हाँ शैलेंद्र कुमार नाम है, लेकिन हम लोग भूटाली सिंह से ही नाम से जानते हैं। तो हम लोग बच्चों के लिए बहुत सारा काम वगैरह करते हैं उनके, इसलिए हम लोग को पूरी तरीके से उन्हीं को जिताना है। बिल्कुल भारी मतों से जिताना है सर। अजीत सिंह। इस बार वार्ड पार्षद के लिए किनको चुन रहे हैं? उम्मीदवार तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन सभी उम्मीदवारों में जो क्या बोला जाता है, समाज में जुटे हुए रहे, समाज के काम के लिए तत्पर रहे हैं, और उनमें सबसे विशेष नाम शैलेंद्र सिंह उर्फ भुटाली, उनकी माता जी हैं जो शैल देवी हैं, और लोगों का वो रुझान उन्हीं के प्रति है। देखिए आपका रुझान किधर है? ब्लाइंड सपोर्टर, समाज सेवी हैं, काम करते रहते हैं समाज में, हम उनके साथ। अच्छा और कैंडिडेट को आप जैसे नहीं नहीं, 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 नहीं और कैंडिडेट के बारे में हम बताते हैं। और कैंडिडेट हमारे गांव से ही जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं हमारे गांव से ही हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो ये जिनका पति बाहर में जॉब में है, उनकी पत्नियां हैं, अरे डाल दो। यानी ये शैलेंद्र जमीन से जुड़े, जमीन से जुड़े और समाज में, समाज के लिए हैं तत्पर, अदरवाइज इनसे हमारा कोई संबंध है नहीं। हम भी संकट के दौरान काम किए हैं, कोरोना संकट के समय हमेशा कुछ न कुछ उनका मदद रहा है, वो अन्नदान हो या फिर जिस तरह जैसे भी रहा। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 26 मसौढ़ी नगर परिषद से प्रत्याशी कार्यवाहक शैलेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन है और लोगों के कहने के बाद ही मैंने ये विचार किया कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और समाज सेवा मेरा पहला धर्म है। 10 वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ, पूरी उम्मीद है कि लोगों का समर्थन मिलेगा। अगर जीत करके आता हूँ तो इस वार्ड के विकास के लिए जो भी जरूरी कार्य होंगे पूरा करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता इस वार्ड को जलजमाव से मुक्त करवाना है। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।